हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसी किचन टेल्स। ईद आ रही है और बिरयानी तो हर घर में बनती है, तो क्यों ना आपकी बारी है सिंपल सी चिकन टिक्का बिरयानी ट्राई की जाए। खाने में बहुत ही लजीज और बनाने में बहुत ही सिंपल ये टिक्का बिरयानी कैसे बनती है, आइए देखते हैं। तो 750 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पाउडर, फूड कलर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। तो सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो जो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने अभी आपको दिखाए थे वो एक एक करके ऐड करने हैं। तो सबसे पहले मैंने ऐड किया इसमें कॉर्नफ्लावर, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, पिंच ऑफ फूड कलर, सॉल्ट ऐड कर दीजिए एज पर योर टेस्ट, और 1 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यूज़ किया है। गिव अ नाइस मिक्स। मैरिनेशन अच्छे से हो इसके लिए आप इसमें 2-3 टीस्पून ऑयल ऐड कर दीजिए, जो भी ऑयल आप यूज़ करते हो या आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसे फ्रिज में या रूम टेम्परेचर पे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दीजिए। तो जब तक ये चिकन मैरिनेट हो रहा है यहाँ पे चावलों को भी भिगो देते हैं। 1.5 ग्लास मैंने बासमती राइस लिया है। मेजरमेंट के लिए आप देख सकते हैं कि मैंने ये पानी पीने वाला ग्लास लिया है। इसी ग्लास से नाप करके आप 1.5 ग्लास चावल भिगो दीजिए। तो चलिए भाई, चिकन हो रहा है मैरिनेट और चावल भी भीग रहे हैं, अब हम कर लेते हैं अपना मसाला रेडी। तो उसके लिए 1 कटोरी दही ले लीजिए, उसको बीट कर लीजिए, और उसमें ऐड करने हैं बेसिक से मसाले। क्या क्या है? सॉल्ट लेना है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, पिंच ऑफ फूड कलर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, या आप कोई भी बिरयानी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, और 1 टीस्पून जीरा पाउडर लेना है। और ये सारे पाउडर्ड मसाले ऐड कर देने हैं दही में। इन मसालों के अलावा मैं कुछ और चीज़ें ले रही हूँ, जैसे मैंने लिया है रोस्टेड कसूरी मेथी 1 टीस्पून, 3-4 हरी मिर्च, और 8-10 कड़ी पत्ता अगर आपको मिल जाता है तो आप डाल दीजिए, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। ये सब भी आप ऐड कर दीजिए उन मसालों के साथ दही में। 2-3 टीस्पून ऑयल ऐड करके इसको मिक्स करके साइड में रख दीजिए। फिर कुछ और तैयारी करनी है, जिसमें मैंने लिए हैं 4 बड़े टमाटर, 1 बोल भर के मैंने लिया है हरा धनिया चॉप किया हुआ, 2 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट लिया है, 1 टीस्पून हम चिकन के मैरिनेशन में यूज़ कर चुके हैं, 4 बड़े प्याज इस तरह से चॉप कर लिया है। इसके अलावा कुछ खड़े मसाले यूज़ किए हैं, जिसमें है 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 हरी इलायची, जावित्री, 1 बड़ी इलायची, 4-5 लौंग, ज़ीरा और 3-4 तेज़पत्ता। ये सारे मसाले के बाद बिरयानी राइस के लिए हमें क्या मसाला चाहिए वो भी आप देख लीजिए। तो 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 1 स्टार लिया है, 1/2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 4-5 हरी मिर्च ली हुई है इस तरह से स्लिट की हुई, 12-15 काली मिर्च, 2 तेज़पत्ता और 1 नींबू का रस। चलिए, तो 1 घंटा हो चुका है और मैरिनेट किए हुए चिकन को कर लेना है अब हमें डीप फ्राई। तो सारे चिकन टिक्का के पीसेस को मैंने एक एक करके पैन में फ्राई किया है, और जैसे ही अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाए इन्हें पैन से निकाल लेना है। तो पैन में ले लेना है 1-1.5 टेबल स्पून ऑयल, और ये सारे खड़े मसाले इसमें ऐड कर देने हैं जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाए थे। जैसे ही क्रैकल हो जाए आपको ये कटे हुए प्याज इसमें ऐड कर देने हैं, और प्याज को कर लेना है थोड़ा सा फ्राई, सॉफ्ट करना है बस, हमें इसको गोल्डन फ्राई नहीं करना है। तो जैसे ही प्याज ट्रांसल्यूसेंट हो जाए आप इसमें ऐड कर दीजिए जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। पेस्ट ऐड करके इसे 2-3 मिनट पकाना है, जब तक कि इसकी रॉ स्मेल ना ख़त्म हो जाए। 3-4 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें ऐड कर दीजिए टमाटर। 2-3 मिनट टमाटर को फ्राई करने के बाद गैस की फ्लेम लो कर दीजिए, और वो दही और सारे मसाले ऐड कर दीजिए। गैस की फ्लेम लो रखनी है ताकि दही फटे नहीं, और इसको धीमी आंच पे ढक करके थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देना है, जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो मैंने पैन के लिड लगा दी है और ये 5-7 मिनट तक की इसको ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देना है। तो चलिए अब कर लेते हैं बिरयानी का राइस रेडी। 1.5 ग्लास चावल लिया था, तो उसी ग्लास से नाप करके 5-6 ग्लास पानी ले लीजिए, और जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे वो सारे मसाले पानी में ऐड कर दीजिए। 1 नींबू का रस ऐड कर देना है, जिससे चावल बहुत ही वाइट और खिले खिले बनेंगे। 2 बड़े चम्मच सॉल्ट ऐड कर देना है, और इसमें 2-3 टीस्पून ऑयल ऐड कर दीजिए। ढक्कन लगा दीजिए और बॉईल आने के लिए छोड़ दीजिए।
दूसरी तरफ ये टिक्का का मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। देखिए आप, ऑयल सेपरेट हो चुका है, साइड्स में हमें ऑयल नज़र आ रहा है। अब इसमें ऐड कर दीजिए फ्राई किया हुआ चिकन। मसाले में चिकन टिक्का ऐड करके उसको अच्छे से मिला दीजिए। अब बहुत से लोगों को बिरयानी में आलू भी खाना पसंद है, तो आप चाहें तो इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं। तो 3 बड़े आलू मैंने ऐसे ही ऐड किए हैं, आप चाहें तो फ्राई भी कर सकते हैं या ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। इसको मसाले में मिक्स कर दीजिए और इसके पकने तक वेट करिए। दूसरी तरफ राइस के लिए जो मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा था उसमें बॉईल आ चुका है, तो चावलों को ऐड कर देंगे। चावल ऐड करके इसको हाई फ्लेम पे ही रखना है पकने के लिए, जब तक इसमें बॉईल आ जाए और ये 80% तक के कुक नहीं हो जाते। तो चावलों में बॉईल आ गया था तो मैंने चावल को चेक किया। चेक कैसे करेंगे? चावल को जब आप ऐसे ब्रेक करेंगे तो आराम से टूटने चाहिए, लेकिन मैश नहीं होने चाहिए। तो ये 80% तक कुक हो चुके हैं और अब इसका एक्स्ट्रा वाटर डिस्कार्ड करके चावलों को साइड में रख देना है। तो चिकन टिक्का रेडी हो चुका है, राइस भी रेडी हो गए हैं। अब हमें इसको करना है मिक्स दोनों को। तो उसके पहले हम चिकन के बीच में थोड़ा सा उसमें कोयले की भाप दे देते हैं। तो मैंने एक बोल सेट कर दिया है, एक चारकोल का पीस रखा है, थोड़ा सा ऑयल ऐड करके पैन का ढक्कन लगा दीजिए। अच्छे से स्मोकी फ्लेवर के लिए हम इसको 10 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब 10 मिनट्स के बाद चारकोल का पीस रिमूव कर दीजिए और अब ऊपर से इसमें चावल की लेयर लगानी है। सारे चावलों को ऐड कर दीजिए और उसके बाद ऊपर से उसमें गार्निश कर दीजिए तली हुई प्याज, हरा धनिया, और ऊपर से अगर आप चावलों में कलर डालना चाहते हैं तो कलर ऐड कर सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बस पैन के लीड लगा दीजिए और जब तक ये भाप नहीं आ जाती तब तक ही आप इसको पकने के लिए छोड़ दीजिए, गैस की फ्लेम लो रखिएगा। अब बिरयानी के साथ में जो रायता खाया जाता है वो रायता भी हम बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून दही में कटा हुआ टमाटर, प्याज, कुकम्बर और धनिया डाल दिया है। बस ये सभी चीज़ें ऐड करके इसमें ऐड कर दीजिए थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट। इसको मिक्स कर दीजिए और ये बिरयानी के साथ खाने वाला है फर्स्ट क्लास रायता रेडी है। दूसरी साइड 20 से 25 मिनट हो चुके हैं बिरयानी को रखे हुए, बहुत ही अच्छे से भाप आ चुकी है। तो देखिए अब मैं खोल के आपको दिखा रही हूँ, देखिए किस तरह से चावल एकदम सॉफ्ट बने हैं और एक एक दाना अलग अलग है। सर्व कीजिए इसे रायते के साथ। तो इस ईद पे ज़रूर ट्राई करिए ये टिक्का बिरयानी। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ईद पे बनने वाले ये सुपर सॉफ्ट दही बड़ों की रेसिपी भी आप चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।